फ्रेंड्स, मैं अब से एक आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एडुकेटर में वेलकम करता हूं। आज जो है हम लोग क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इससे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। रियल नंबर का पहला चैप्टर है, तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो और आज जो वीडियो आ रहा है वो आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग समझ पाए। और जो है मैं इसको आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ, ऐसा तरीका शायद ही कोई बताएगा। तो मेरे हाथ में क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। तो ये जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और बहुत सारे बुक में जैसे कि आईडी शर्मा हो गया, आर एस अग्रवाल हो गया, इन सब बुकों में ये जो है थ्योरम है, आपके थ्योरम में दिया हुआ है, थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3, ठीक है। तो एनसीईआरटी के बेसिस पे हम लोग चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी के बेसिस पे चलने के लिए हमको इसको क्वेश्चन मान के चलना पड़ेगा। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। तो बोला जा रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर, सो कीजिए कि कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर जो है इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होना चाहिए? 6q+1 के फॉर्म में होना चाहिए, और या 6q+3 या 6q+5 के फॉर्म में होना चाहिए। वेयर क्यू इज सम इंटीजर, जहां की क्यू जो है सम इंटीजर है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमको एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट क्या करेंगे, लेट एन बी सम इंटीजर, लेट एन बी सम इंटीजर, सॉरी हम पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं तो सही होगा। अच्छा, क्वेश्चन के हिसाब से ही मान लेते हैं। लेट एन बी एनी पॉजिटिव और इंटीजर, एनी पॉजिटिव और इंटीजर, ठीक है। क्या मान लिया हम लोगों ने, लेट एन बी एनी पॉजिटिव और इंटीजर, तब क्या होगा, देन वी डिवाइड, वही वाला चीज, डिवाइड किस चीज को डिवाइड करेंगे, वी डिवाइड एन बाय 6, किस चीज से, 6 से, क्यों, क्योंकि यहां 6q बोला जा रहा है, ठीक है, 6q है ना। तो जो चीज यहां रहे, 6 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कुछ भी रहे, वो चीज से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, किसको, n को। हर एक क्वेश्चन में यही चीज चलेगा, n मान लेना है। फिर अगर 6q के जगह पे 6m रहेगा, फिर भी हमको n मान लेना है। n मानने के बाद n को डिवाइड कर देना है किस चीज से, जो चीज यहां पे दिया रहेगा उस चीज से। वी डिवाइड n बाय 6 टू गेट क्यू बी द कोसेंट, क्यू यहां बी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। क्यू बी द कोसेंट, कोसेंट एंड आर बी द रिमाइंडर। इस एक्सरसाइज में जो है ज्यादा लिखना पड़ता है, आर बी द रिमाइंडर। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो यहां पे तो डिवाइड करने के लिए है नहीं कुछ, सब हमको पता है। तो हम लोग सीधा सीधी क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्लूड्स डिवीजन, यूजिंग इक्लूड डिवीजन लेमा, वी गेट, इक्लूड डिवीजन लेमा से हम लोग क्या मिलेगा, इक्लूड डिवीजन लेमा क्या होता था, कहां लिख दें, यहां पे लिख देते हैं, ए इज इक्वल टू
बी क्यू प्लस आर, यही होता था इक्वल डिवीजन लेमा, जहां पे जो है रिमाइंडर जो है क्या होता था, जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर होता था, और रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा होता था। क्या होता था? डिवाइजर से छोटा होता था। बस यही दोनों चीज का यूज हमको हर जगह करना है। तो यहाँ पे यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा से हम लोगों को क्या मिलेगा, डिविडेंड क्या है मेरा, एन, एन डिविडेंड है ना, एन को डिवाइड किया जा रहा है 6 से, तो एन हमारा डिविडेंड, डिवाइजर क्या है 6, 6, कोसेंट क्या है क्यू बी द कोसेंट 6 क्यू, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है आर, ये चीज हम लोगों को मिला ना। अब यहां पे क्या होता है, वही चीज, जीरो से बड़ा होगा रिमाइंडर, और रिमाइंडर जो होगा क्या होगा 6 से छोटा होगा, ये चीज हम लोगों को मिल गया। यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं, वेयर 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 लिख के लिखते हैं, वेयर रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6, ठीक है, डिवाइजर से छोटा होता है, तो ये चीज हम लोगों को पता चल गया। अब जो है रिमाइंडर अगर 6 से छोटा होगा और 0 से और 0 के बराबर होगा, तो रिमाइंडर कितना हो सकता है, तो रिमाइंडर जो है क्या हो सकता है, आर इज इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। अब 6 के बराबर तो नहीं कर रहा है, 6 से छोटा कर रहा है, इसलिए 5 तक ही रुक जाएगा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये जो होगा रिमाइंडर यही ना होगा, इसके लिए रिमाइंडर यही होगा। तो अब क्या करना है हमको, पुटिंग आर इज इक्वल टू 0, ठीक है, आर जब 0 पुट करेंगे तब हमारा एन कितना मिलेगा, 6 क्यू प्लस 0 एन इज इक्वल टू मिल जाएगा 6 क्यू, ठीक है, आर जब 0 होगा तब एन कितना होगा 6 क्यू होगा, आर जब 0 होगा तो एन कितना होगा 6 क्यू होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने आर इज इक्वल टू 0 पुट करके देख लिया, तो हम लोग जब आर इज इक्वल टू 0 पुट किए हैं, जब आर इज इक्वल टू 0 पुट किए हैं तो एन इज इक्वल टू 6 क्यू आया है, क्या आया है, एन इज इक्वल टू 6 क्यू आया है। अब जो है पुटिंग पुटिंग आर इज इक्वल टू 1, जब हम लोग आर इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो एन इज इक्वल टू 6 क्यू, किस पे पुट करना है, इस पे पुट करना है, एन इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1 आएगा, ठीक है, 6 क्यू प्लस 1 आएगा। जब आर इज इक्वल टू, फिर से वही चीज लिखेंगे, आर इज इक्वल टू 2, पुटिंग आर इज इक्वल टू 2, तब जो है हमारा एन जो आएगा 6 क्यू प्लस 2 आएगा, आर इज इक्वल टू 3 पे एन जो है हमारा 6 क्यू प्लस 3 आएगा, आर इज इक्वल टू 4 पे एन जो है हमारा 6 क्यू प्लस 4 आएगा, आर इज इक्वल टू 5 पे, ठीक है, ये लास्ट है, और सबके आगे पुट 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 पुट, ठीक है, ये चीज सबके आगे लगाते चले जाना है। आर इज इक्वल टू 5 पे क्या आएगा, एन 6 क्यू प्लस 5 आएगा। तो इतना चीज आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम लोगों को चाहिए क्या था, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्या चाहिए था, ऑड, इस चीज पे ध्यान रखना है, क्या चाहिए था, ऑड, क्या चाहिए था, ऑड चाहिए था, ठीक है, ठीक है, यही चीज चाहिए था, ऑड इंटीजर चाहिए था, इवेन नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था, ऑड चाहिए था। तो ऑड चाहिए था, तो देखेंगे कि ये जो मेरा वैल्यू आया है
ये जो हमारा वैल्यू आया है इसमें कौन सा वैल्यू पे और इंटीजर मिलेगा, ठीक है, कौन से वैल्यू पे और इंटीजर मिलेगा। तो अगर 6q रहेगा, q के जगह अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठा के हम लोग रख देंगे, 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 2 रखेंगे तो 12 आएगा, 3 रखेंगे तो 18 आएगा। अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n के बराबर 6q रहेगा तो रखेंगे, जब r 0 रहेगा तब जो है हम लोग n 6q आया है ना, तो अगर उस पे रखेंगे कोई q के जगह पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर तो वो इवन देगा। 6q+1 पे रखेंगे तो इवन, 6q तो इवन हुआ, इवन प्लस वन क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा ऑड का है, ठीक है, हम जहां जहां टिक लगाएंगे वो ऑड का होगा, जहां जहां क्रॉस करेंगे वो इवन का होगा, ठीक है। अब जो है 6q+2, जब आर टू होगा तो 6q+2 आएगा, 6q+2 पे इवन प्लस इवन क्या देगा, हमारा इवन ही देगा, तो ये भी नहीं होगा। 6q+3 इवन प्लस ऑड क्या देगा, ऑड देगा, तो 6q+3 भी हो जाएगा। आर इज इक्वल टू 4, 6q+4 देगा, 6q+4 इवन प्लस इवन क्या देगा, इवन देगा, तो ये भी नहीं होगा हमारा। 6q+5 जब आर इज इक्वल टू 5 होगा तो 6q+5 मिलेगा, तो इवन 6q क्या हुआ, इवन हुआ, इवन प्लस ऑड क्या देगा, ऑड देगा, ये हो गया। तो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 आ गया, ठीक है, लिखेंगे व्हेन व्हेन आर इज इक्वल टू 0, 0 पे, 2 पे और 4 पे, इवन वाला केस ले रहे हैं, देन तब क्या मिलता है, देन आवर रिजल्ट रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, ठीक है, रिजल्ट हमारा पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा पॉजिटिव नहीं, क्या लिखाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव इवेन इंटीजर, जब आर इज इक्वल टू 0, 2, 4 होगा तो पॉजिटिव इवेन इंटीजर देगा, इसलिए जो है आर इज इक्वल टू 1, 3, 5 गिव्स अस क्या देगा, हमको पॉजिटिव इवन इंटीजर, सॉरी ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, दैट इज क्या, 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 ये चीज मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, ये चीज मिलेगा। तो अब जो है लिख देंगे, क्वेश्चन क्या कर रहा था हमारा, क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में लास्ट में बोल रहा था क्या, शो करना था, शो डेट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, सो लिखेंगे हेंस 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 लिख के क्या लिखेंगे, हेंस एनी पॉजिटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3, 6q+5, प्रूव हो गया। तो ये तो हमारा कितना नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था ये, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना है, ठीक है।
तो अब जो है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। हम लोगों ने कितना क्वेश्चन कर लिया? ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में किया था, और ये क्वेश्चन जो है अभी हम लोग कुछ देर पहले किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का। इसको बोला जा रहा है एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 606 मेंबर, कितना मेंबर का है? 606 मेंबर का है, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर। कहाँ मार्च कर रहे हैं? 32 मेंबर के पीछे, ठीक है? और इन अ परेड, परेड में द टू ग्रुप्स, ये जो है ग्रुप्स है, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। दो ग्रुप जो है सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च कर रहे हैं, ठीक है? दो ग्रुप जो है सेम नंबर ऑफ कॉलम में क्या कर रहे हैं? मार्च कर रहे हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च? तब जो है आपको निकालना है व्हाट इज द कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हम लोगों क्या करना है, इसका 616 का और 32 का SCF निकाल देना है। क्या करना है? 616 और 32 का SCF निकाल देना है, ठीक है? तो लिखेंगे यहां पे वी फाइंड SCF, ठीक है? वी फाइंड क्या? SCF किसका किसका? 616 एंड 32 टू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, दे कैन मार्च, ठीक है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम देगा जिसमें कि वो मार्च करेंगे, ठीक है? तो क्या करना है? SCF निकालना है। तो हम लोग जो है रफ में, रफ पेज में इसका SCF निकाल लेंगे। तो ये मान लीजिए रफ पेज है ये एरिया, तो हम लोग इसका SCF निकाल लेते हैं 616 किस चीज से? 32 से डिवाइड कर रहे हैं। 32 से जब डिवाइड करेंगे तब हमको क्या मिलेगा? ये जो है 19 बार में लग जाएगा और 608 यहाँ आएगा, 8 रिमाइंडर। 616 में से 608 को घटाएंगे तो 8 रिमाइंडर आएगा, 8 रिमाइंडर आ गया। अब जो है 8 जो होगा हमारा डिवाइजर हो जाएगा, और जो हमारा पहला डिवाइजर था वो डिविडेंड हो जाएगा, मतलब 32 यहाँ पे आ जाएगा। 32 जब यहाँ आ गया तो अब डिवाइड कर देंगे, तो ये जो है 4 बार में लग जाएगा, ये हुआ 0, ठीक है? तो ये चीज हम लोगों ने कर लिया किस चीज में? रफ में। अब जो है क्या लिखेंगे? वेन वी डिवाइड, वेन वी डिवाइड 616, सॉरी 616 है, 616 बाय 32, बाय 32, ठीक है? वेन यहां पे नहीं लिखी है, सीधे डिवाइड कर रहे हैं ना, वी डिवाइड 616 बाई 32। अब जो है क्या लिख देंगे? यूजिंग, नाउ यूजिंग क्या? इक्लूड्स, इक्लूड्स डिवीजन। ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, इक्लूड डिवीजन लेमा, ठीक है? इक्लूड डिवीजन लेमा हमारा क्या बोलता है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही चीज हमारा क्या बोलता है? इक्लूड डिवीजन लेमा यही होता है। तो ए क्या होता है? डिविडेंड। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या हो जाएगा? 616 इज इक्वल टू डिवाइजर 32 इंटू कोसेंट 19 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है? 8। इस पार्ट के लिए देख रहे हैं हम लोग, ठीक है? रिमाइंडर कितना है? 8। हमारा रिमाइंडर नहीं आया किसके बराबर? 0 के बराबर। तो डेट इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का साइन देंगे। फिर अब जो है इस पार्ट के लिए हम लोग लिखेंगे,
इस पार्ट के लिए डिविडेंड क्या हो जाएगा, 32, क्या हो जाएगा, 32 इज इक्वल टू डिवाइजर 8 इंटू कोसेंट 4 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है, 0। हेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो आवर HCF इज 8। HCF 8 कैसे हुआ, हम लोग जानते हैं जिस डिवाइजर के लिए, जिस डिवाइजर के लिए हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए वो उसका HCF होता है, वो जो डिवाइजर होता है उसका HCF होता है, तो HCF 8 हो गया। ठीक है, अब जो है क्या लिख देंगे, हेंस हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इज 8 कॉलम्स, कितना कॉलम, 8 कॉलम, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 8 कॉलम्स। ठीक है, यही जो है हमारा आंसर है। तो अब जो है एक्सरसाइज 1.1 में, एक्सरसाइज 1.1 में जो है टोटल 5 क्वेश्चंस है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है पिछले वीडियो में हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैंने करवा दिया इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है मैंने करवा दिया। ठीक है, अब जो है कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, हाँ क्वेश्चन नंबर जो 4 और 5 है वो जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जैसे था उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, वहां 6Q था तो यहाँ आपको मान लीजिए 3Q होगा, 9Q होगा, 2Q होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम लोगों को वही चीज करना है। अगर फिर भी आपको इसमें प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको बताऊंगा, कहाँ बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर सिंपली आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी खोलना है और मुझे फॉलो करके मैसेज कर देना है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है अभिषेक सिंह 3452। यहाँ पे आप लोग जब भी मैसेज कीजिएगा तुरंत आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा किसी भी टॉपिक पे, तो आपको सिंपली यहाँ मैसेज कर देना है और क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज कौन से एक्सरसाइज का कितना नंबर क्वेश्चन है ये आपको लिख देना है। ठीक है, और कौन से बुक का है, एनसीईआरटी का है तो एनसीईआरटी, आरडी शर्मा का है तो आरडी शर्मा, आरडी सेगवाल है तो आरडी सेगवाल। ठीक है, तो इतना ही आज के वीडियो में, इतना ही, अगला वीडियो में जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे, उसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, बस एक मतलब एक डिफिनीशन बताऊंगा और आपको वीडियो समझ में आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि एक्सरसाइज 1.2 जो है बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, हाँ आपके लिए एक HW है, HW क्या है, आपको एक्सरसाइज 1.1 जो है कंप्लीट कर लेना है विथ एग्जाम्पल, ये पहला होमवर्क है। सेकेंड होमवर्क क्या है, सेकेंड होमवर्क जो है आपको कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसको एक बार आप लोग कहीं से भी देख लीजिए, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा कहीं से तो आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।